राजा जनक आगे कहते हैं, जैसे इस देह को मैं अकेला ही प्रकाशित करता हूँ, वैसे ही संसार को भी प्रकाशित करता हूँ। इसलिए तो मेरा संपूर्ण संसार है अथवा कुछ भी नहीं है। बहुत सही चीज़ है ये अष्टावक्र गीता, बहुत ही सीधा बोला है, कोई घुमा फिरा के नहीं बोला जाता है। कुछ बीच में कोई भी फिल्टर्स लाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बिलीफ सिस्टम से नहीं बोला गया है। साइंटिफिकली भी देखा जाए तो ये एकदम सही है। इस देह को मैं अकेला ही प्रकाशित करता हूँ। जैसे बल्ब से अगर कोई रोशनी निकलती है तो वो सामने मान लीजिए बेड है तो बेड पे पड़ रही है, आपका एसी लगा हुआ है उस पे पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एसी पर ही पड़ रही है और टेबल पर नहीं पड़ रही है या बेड पर नहीं पड़ रही है। जो रियलिटी है बेस, जिसको नाद बोलते हैं, ब्रह्म नाद बोलते हैं, जो ब्रह्म है यानी कि जो मैं हूँ बेसिकली, वो इस देह में भी मौजूद है, माइंड में भी मौजूद है और पूरे के पूरे विश्व में मौजूद है। इस पे पॉइंट किया जा रहा है कि जो सोर्स ऑफ क्रिएशन है वो हर जगह मौजूद है। अगर मैं देखूंगा किसी भी चीज़ को तो वहाँ पर भी वो मौजूद है, अगर मैं नहीं देख रहा हूँ किसी भी चीज़ को तो वहाँ पर भी वो मौजूद है। जो वाइब्रेशंस हैं बेसिकली, जो कि एक पूरे पूरे प्लैनेट में मौजूद है, जो कि पूरे गैलेक्सी में मौजूद है, वो ही वाइब्रेशन एक एटम में भी मौजूद है। सिंपल है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इस देह को मैं अकेला ही प्रकाशित करता हूँ, मतलब मैं ही हूँ, कोई और प्रकाशित नहीं कर रहा है। प्रकाशित इन द सेंस मैं मौजूद हूँ। जैसे कि लाइट जो है वो सब कुछ प्रकाशित करती है, वो कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है कि मुझे इसको प्रकाशित नहीं करना है या इसको प्रकाशित नहीं करना है। और लाइट प्रकाशित भी करती है और लाइट खुद भी प्रकाश है। तो ये लाइट के एग्जाम्पल से आप रिलेट कर सकते हो कि इस देह को मैं अकेला ही प्रकाशित करता हूँ। अकेला क्यों? अकेला यहाँ पे बोला गया है कि भाई, और वो भी मैं लगा दिया गया है, मैं अकेला ही प्रकाशित करता हूँ, मतलब मैं ही हूँ सब जगह और कुछ नहीं है। नाउ फॉर्म्स बहुत अलग अलग हैं। अगर आप फिंगरप्रिंट्स देखोगे तो सबके यूनिक फिंगरप्रिंट्स हैं, चेहरा सबका अलग अलग है, जानवर जो हैं वो सारे अलग अलग दिखते हैं। मतलब आप देखो, अगर मैं एक वर्ड में बोलूं, जो क्रिएशन है, जो सोर्स ऑफ क्रिएशन है बेसिकली, या साउंड ऑफ साइलेंस है बेसिकली, इट इज क्रिएटिंग एवरीथिंग यूनिक विच इज कॉल्ड इनोवेशन। हेंस द साउंड ऑफ साइलेंस हैज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योर, बिकॉज वॉट इज एन एंटरप्रेन्योर? वो जो कुछ नया क्रिएट करे। वॉट इज अ बिजनेसमैन? वो जो ऑलरेडी जो बन चुका है उसी को चलाता रहता है। कुछ नया अगर आता है दुनिया में, आविष्कार होता है, दैट इज एंटरप्रेन्योर, और दैट इज एंटरप्रेन्योरिक अप्रोच, एंटरप्रेन्योरशिप। सो अगर देखा जाए तो क्रिएटर जो है वो एंटरप्रेन्योर है, क्योंकि सब कुछ अलग है, भिन्न है। अगर आप जूम आउट करके देखोगे तो हर एक फॉर्म अपने में एक अलग ही वर्ल्ड है। तो लोगों को कन्फ्यूजन क्यों होता है, लोगों को बात समझ में क्यों नहीं आती अध्यात्म की? इसलिए नहीं समझ में आती है अध्यात्म, इसलिए नहीं समझ में आता है बिकॉज जो रियलिटी है बेसिकली वो एकदम अलग अलग एक्सप्रेस हो रही है। जब साउंड ऑफ साइलेंस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं मटेरियल वर्ल्ड।
जब साउंड ऑफ साइलेंस जो ब्रह्मनाद है बेसिकली, जो बेसिक रियलिटी है जिससे सब कुछ बना है, जो पूरी दुनिया का अधिष्ठान है, सीरीज़ वन में हम देख चुके हैं संदीप जी ने कितना जोर दिया है अधिष्ठान के ऊपर, तो पूरी दुनिया का जो कुछ भी अधिष्ठान है वो बदलता नहीं है और वो अलग अलग नहीं दिखता है, यानी भिन्न नहीं दिखता है। अब जब ये एक्सप्रेस हो जाता है, जब वो एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, वही साउंड ऑफ साइलेंस जब एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है तो सब कुछ अलग अलग लग रहा होता है, राइट फ्रॉम द डीएनए टू द फिंगरप्रिंट टू द फेस ऑफ ऑल द पीपल। एवरी एनिमल हैज अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। द लॉज ऑफ लॉयन एंड द लॉज ऑफ गाय इज टोटली डिफरेंट। मीटिंग करने का जो टाइम है वो अलग है, खाना खाने का जो तरीका है वो अलग है, वो निगलते हैं, वो चुई करते हैं बफलो को अगर आप देखोगे तो अलग अलग जो क्रिएशन है अगर आप उसको जूम आउट करके देखोगे सब कुछ अलग अलग लग रहा है। तो अब क्या होता है कि एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि अगर आप अपने सेंसेस के थ्रू देखोगे, अब देना ये पकड़ने की कोशिश करना, थोड़ा जोर दे रहा हूँ इस पर, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू पॉइंट है यहाँ पे, कि अगर आप सेंसेस को सुनोगे, सेंसेस क्या कह रहे हैं, तो आपको लगेगा सब अलग है क्योंकि दिख सब अलग रहा है। लेकिन अगर आप बुद्धि की नज़रों से देखोगे, बुद्धि के विजन से देखोगे, तो आप देखोगे कि सब कुछ एक है। तो अब जो प्रॉब्लम क्या हुई कि लोगों को कन्फ्यूजन क्यों हुआ, ये जो सेग्रीगेशन है, ये जो डिफरेंशिएशन है, ये क्यों आया कि मैं अलग हूँ, ये इग्नोरेंस क्यों आई, क्योंकि एक्चुअली में दे आर सीइंग फ्रॉम द सेंसेस, तो उनकी गलती नहीं है अगर वो सेंसेस पे बिलीव कर रहे हैं तो, अगर वो इतने सेंसलेस हैं कि वो सेंसेस पे बिलीव कर रहे हैं और सेंसेस की लिमिटेशन को नहीं देख रहे हैं। भाई आप आँख से किसी चीज़ को देखोगे तो वो अलग लगेगा, अगर आप सिर्फ आँखों से अगर पूछो कि एक टेबल और एक पेड़ में क्या डिफरेंस है, तो आँखें कहेंगी बिल्कुल अलग अलग है। अच्छा ठीक है, उसी टेबल को आप छुओ, टच सेंसेशन जो है हमारा, और पेड़ को छुओ अलग अलग है, महक जो है वो अलग अलग है। अब टेस्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप एक पत्ता जो है उसको अगर टेस्ट करो तो वो अलग है स्टेम से पेड़ के, आपको अलग टेस्ट आएगा। अगर आप लकड़ी को थोड़ा सा स्वाद चखोगे तो उसका अलग टेस्ट आएगा, लेकिन आप पत्ते का स्वाद चखोगे तो उसका अलग है। तो स्वाद भी अलग कह रहा है, यानी जो हमारा जो टंग है वो भी अलग कह रहा है। तो होता क्या है कि सेंसेस के थ्रू अगर आप देखोगे तो सब अलग लगेगा, लेकिन अगर आदमी कोई थोड़ी सी यू नो बुद्धि लगाए और ठहरे, पहले डिज़ायर्स जो बाकी के हैं उसको ये समझ में आए कि पहले ये ज़रूरी है समझना, बाकी दुनिया से मैं खेलता रहूँगा बाद में, जो उसके डिज़ायर्स हैं, जो वासनाएं हैं कि मुझे ये बनना है, मुझे ये पैसा चाहिए, मुझे इससे शादी करनी है, वो करना है, ये करना है, जो भी है उसको साइड में रखो, क्योंकि उसी में जब आप उलझे रहोगे तो आपका ध्यान ही नहीं आएगा इसमें। तो अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि टेबल दिख अलग रही है, ठीक है, टेबल का जो टच है, इफ यू टच द टेबल फील्स डिफरेंट, इफ यू टच अ ट्री फील्स डिफरेंट, बट अगर आप बुद्धि से देखो तो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन टेबल एंड ट्री, जो मटेरियल है वो सेम है। जो क्ले का एग्जाम्पल और बबल का एग्जाम्पल जो हमने सीजन वन में देखा संदीप जी के थ्रू, वो भी इसी से रिलेटेड है। तो सेंसेस आपको डिसीव करते हैं, मिसलीड करते हैं, सेंसेस के ऊपर जो डिपेंडेंट है वो भटकेगा, और बुद्धि के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है तो बुद्धि आदमी यूज नहीं करता। भाई आप आंख खोल रहे हो, दिख रहा है, इसमें क्या एफर्ट लगा रहे हो आप, तो आदमी दिमाग नहीं लगाता है। लेकिन अगर आप दिमाग लगाओगे तो उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एनर्जी जाएगी, दर्द होगा। तो इस वजह से बुद्धि की नज़रों से अगर आप देखोगे, अगर आप बुद्धि को यूज़ करोगे और तब देखोगे तो आपको सब कुछ एक लगेगा, चाहे वो फिंगरप्रिंट्स हो। अगर फिंगरप्रिंट्स का भी एग्जांपल लें तो हर एक फिंगरप्रिंट अलग अलग है,
सेंसर्स के थ्रू। भाई सेंसर्स के थ्रू अगर आप देखोगे माइक्रोस्कोप के नीचे सब कुछ अलग अलग दिखेगा आपको, लेकिन जो लाइनें हैं फिंगरप्रिंट्स में छोटी 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 छोटी, वो सब तो लाइनें ही हैं ना, उसमें क्या डिफरेंस है? लाइन तो लाइन है, वो अलग लाइन है, वो अलग लाइन है, वो उस कुछ छोटी मतलब कुछ लाइनों को अलग पैटर्न में किसी फिंगर में है, किसी फिंगर में अलग पैटर्न में है। फॉर एग्जाम्पल एक सीधी लाइन इमेजिन करो आप, सीधी लाइन, एक कागज का टुकड़ा लो और उस पर सीधी लाइन खींचो, इमेजिन करो। अब उस लाइन को ना हम थोड़ा घुमा देते हैं, सर्कल बन गया, सर्कल बन गया, और उसी लाइन को हम थोड़ा सा और इधर उधर करें तो ट्राइंगल बन जाए, बना सकते हैं। उसी लाइन को हम स्क्वायर बना सकते हैं, उसी लाइन को हम रेक्टेंगल बना सकते हैं। अब एक छोटा बच्चा है वो कहेगा सब अलग अलग है, सेंसेस के थ्रू देखोगे तो, अगर आप सेंसेस के थ्रू देखोगे तो सब कुछ अलग लगेगा, ट्राइंगल अलग है, सर्कल अलग है, रेक्टेंगल अलग है, लेकिन थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे तो देखोगे ये क्या है, लाइन ही तो है। ट्राइंगल का अधिष्ठान क्या है? लाइन। सर्कल का अधिष्ठान क्या है? लाइन। तो बुद्धि से देखोगे तो सब कुछ एक लगेगा, और सेंसेस से देखोगे तो सब कुछ अलग लगेगा। तब आपको क्रिएटर एज एन एंटरप्रेन्योर दिखेगा। आप सोचो कि कितना तगड़ा जो इनोवेशन है, हर एक छोटी से छोटी चीज में ध्यान ध्यान पूर्वक बनाया गया है। आप देखोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ क्रिएट करते हैं जिंदगी में, बड़ा क्रिएट करते हैं, वो कैसे कर रहे हैं? उनके अंदर एक इंटेलिजेंस है, जो नेचर की इंटेलिजेंस है वही उनकी इंटेलिजेंस है, क्योंकि वो भी ब्रह्मनाद हैं। इस वजह से वो टैप कर जाते हैं, अगर उनको पता है कहाँ कैसे करना है, क्या करना है, माइंड को समझ रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस अच्छी हैं, डिज़ायर कुछ अलग करने का है, डिज़ायर नीचे के कामों का नहीं है, खाना पीना, ये सेक्स और ये सब चीज़ें। तो बेसिकली अगर आप देखोगे सेंसेस के थ्रू तो सब अलग है, अगर आप बुद्धि के थ्रू देखोगे तो सब एक दिखेगा। आप क्वेश्चन ही नहीं कर सकते हो, इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चनिंग ओनली। वैसे ही संसार को भी प्रकाशित करता हूं, मतलब संसार में भी मैं हर जगह व्याप्त हूं, हर जगह मौजूद हूं, इसलिए तो मेरा संपूर्ण संसार है अथवा कुछ भी नहीं है। आपका क्या है? ये बाइक मेरी है, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, अब बाइक किसकी है? मर गए, किसकी बाइक है? एक कार मेरी है, ठीक है, एक्सीडेंट नहीं हुआ, 100 साल तक जी लिए, अब कार किसकी है? जायदाद किसकी है? आपके बेटे की है, तो बेटे भी 100 साल जिएगा उस जायदाद पे, उसके बाद किसकी है? किसकी है जायदाद, मुझे बता दो। इन रियलिटी किसकी जायदाद है? इन रियलिटी वो ज़मीन जो है, या जो प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी है, आपका क्या है? क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे? पैसा कब्र में डाल दिया जाएगा आपके, तो भी नहीं ले जा पाओगे कब्र, पैसा बॉडी सड़ जाएगी, पैसा पड़ा रहेगा। तो सोचोगे कि मैं चिता पे रख दूं पैसा, तो पैसा जल जाएगा, आप भी जल जाओगे, कहाँ लेके जाओगे? क्या है आपका? अगर आप जूम आउट करके देखोगे, सेंसेस के थ्रू देखोगे, तो आपका कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप बुद्धि से देखोगे तो आपका सब कुछ है, सब कुछ आपका है। तो इससे क्या होता है कि अगर आप अकेले हो कहीं पे, कहीं गए हुए हो, अकेले हो, मान लो कहीं घूमने गए हो, कोई नहीं है आपके साथ, तो आप जब वॉक करोगे, मान लीजिए किसी माउंटेन पे आप वॉक कर रहे हो, तो यू हैव दैट फील कि ये सब मेरा है। आप कहीं जंगल में खो गए, आपको डर लग रहा है, वो डर रहेगा ही नहीं, क्योंकि जंगल भी तो आप ही का है। होम सिकनेस नाम की चीज़ नहीं मौजूद है इस दुनिया में। होम सिकनेस तब आती है जब आपके अंदर ये हो कि ये मेरा घर है, बाकी पूरी दुनिया अलग है। उठा के आपको जेल में डाल दिया, 50 साल तक जेल में पड़े हुए हो, क्या फर्क पड़ता है? क्या कर लोगे तुम? मेरा कुछ नहीं कर सकता कोई, सब मेरा है, सब मेरा है। मेटेरियलिस्टिकली कुछ मेरा नहीं है, लेकिन बना तो मेरे से है।
इसमें आपको प्राउड फील होना चाहिए। जब ये अंदर से पूरी तरीके से जब ये क्लियर हो जाता है ना कि ये मेरा है, तो कहीं भी आपको ना अकेलापन नहीं लगता है। अकेलापन का मतलब है कि यू हैव द रॉन्ग थिंकिंग ऑफ दिस यूनिवर्स, ये है अकेलापन। जिस दिन थिंकिंग करेक्ट हो गई, चार कमरों में, चार दीवारों में आप अकेले रात में बैठे हुए अपने रूम में, आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आपके साथ कोई हो चाहे ना हो, क्योंकि यू आर कंप्लीट, यू डोंट नीड एनीबडी टू कंप्लीट यूर सेल्फ। लॉजिकली यू हैव टू सी दिस, नॉट बिलीव्स। बिजनेस फेल हुआ, क्यों फेल हुआ? अच्छा, ये किस्मत का रोल है इसलिए फेल हो गया, तो ये बिलीफ सिस्टम है। रियलिटी क्या है? उसका लॉजिकल रीजन है, वो आपको मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? उसके लिए एफर्ट्स करना पड़ता है। ऐसे थोड़ी रीजन मिल जाएगा, इट टेक्स टाइम, पढ़े रहो उस क्वेश्चन के पीछे, तब मिलता है वो क्वेश्चन। सो बेसिकली आपको ऐसे नहीं अकेलापन खत्म होता है, अकेलेपन के लिए बहुत इंक्वायरी करनी पड़ती है। हर एक क्वेश्चन जो अंदर से आ रहा है ना, वो आपको खुद सॉल्व करना पड़ता है कि मैं अकेला फील कर रहा हूं तो मैं क्यों फील कर रहा हूं, क्या मैं आइडेंटिफाइड हूं मेरी बॉडी से? या फिर मैं आइडेंटिफाइड हूं अपने माइंड से, या फिर अपनी फैमिली से, या फिर इस देश से, अपनी कास्ट से, इस कॉन्टिनेंट से, इस पूरे के पूरे प्लैनेट से? मैं अर्थियन हूं, तुम मार्शियन हो। कोई मार्स से अगर एलियन आ गया तो आप क्या बोलोगे? मैं अर्थियन हूं, मुझे छोड़ दो। तो अगर सच में कोई एलियन मौजूद है या कुछ भी है इस दुनिया में जो मौजूद है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, व्हाटएवर, जो कुछ भी है, उसमें भी मैं व्याप्त हूं, उसमें भी मैं हूं। जब ये आपका आइडेंटिफिकेशन, जो आपकी पहचान है, वो आपका शरीर नहीं है, आपकी पहचान जो आपका मस्तिष्क नहीं है, आपका माइंड नहीं है, आपकी पहचान कॉस्मिक होनी चाहिए, तब जाके आपके अंदर एक बहुत ही तगड़ी पावर आती है। सारा डर खत्म हो जाता है, सब खत्म हो जाता है, आपको कुछ भी पाने की जरूरत नहीं है। या तो सब कुछ आपका है या तो कुछ भी आपका नहीं है। बहुत अच्छी लाइन है ये, एक्चुअली में कुछ आपका नहीं है। मानने को मानते रहो, मानने से क्या होगा? 70-80 साल तक मानते रहोगे, मर जाओगे, ये मेरा है, कोई और ले लेगा आपसे। सारा पैसा लोग बैंक में इकट्ठा करते हैं, 200-300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ रुपये, उसके बाद छोड़ के मर जाते हैं। अरे इकट्ठा किस लिए किया था जब छोड़ के मरना था? इकट्ठा करते वक्त आपको आइडेंटिफाइड नहीं हो आप पैसे से, फिर भी इकट्ठा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इकट्ठा करते जा रहे हो, और भर लूँ, और भर लूँ, और भर लूँ, उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होता है। हाँ, आपके पड़ा हुआ है बैंक में, आपको फर्क नहीं पड़ता, कल जीरो हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अटैच्ड हो पैसे से, है ना? तो या तो आपका है या तो कुछ भी आपका नहीं है। मेरी आवाज, जैसे मैं एक सिंगर हूं, तो क्या आवाज मेरी है ये? अगर देखा जाए तो, अगर इस आवाज को वोकल कॉर्ड्स का निकाल लिया जाए, तो क्या ये आवाज मेरी है? तो क्या मैं मर जाऊंगा? लेकिन अगर एक सिंगर है, वो आइडेंटिफाइड है अपने वोकल कॉर्ड से, पागल है अपने वोकल कॉर्ड्स के लिए, अपनी सिंगिंग के लिए, उसका गले से वोकल कॉर्ड्स निकाल लो, मर जाएगा वो। लेकिन जिसकी पहचान कॉस्मिक है, ब्रह्मांड से पहचान है उसकी, उसको पता है मैं कौन हूँ, वोकल कॉर्ड्स निकाल लो, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ और कर लूँगा। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को भी जाके वोकल कॉर्ड्स दे दूँ, या फ़र्क ही नहीं पड़ता, या ख्याल नहीं रखूँ वोकल कॉर्ड्स का अपने, इसका मतलब ये नहीं है। पर अगर कभी ऐसा केस हुआ, कैंसर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं माइंड में, तो अगर हो गया तो उसको कैसे टैकल करना है? अगर मैं सच में, पहचान मेरी उसी से है कि मैं सिंगर हूँ, भाई मैं सिंगर हूँ, आप नहीं हो सिंगर, इन रियलिटी आप कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं हो आप। जब आपके अंदर से ये खत्म हो जाता है कि मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं ना बाप हूँ, ना मैं बेटा हूँ, ना मैं सिंगर हूँ, ना मैं एक्टर हूँ, ना मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, कुछ नहीं हूँ मैं, मेरी आइडेंटिफिकेशन जो है, या तो मैं सब कुछ हूँ या तो मैं कुछ नहीं हूँ, ये एक चीज़ नहीं पकड़ के रखी जाती, एक दो चीज़ पकड़ ली है कि अच्छा ये मैं ही हूँ, बाकी कुछ नहीं हूँ, तो इसमें एक सेपरेशन आ जाता है, अगेन सेपरेशन आ जाएगा। तो ऐसे आपको समझना होता है चीज़ों को, जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके माइंड में, उसको सॉल्व करना होता है। इसलिए तो मेरा संपूर्ण संसार है अथवा कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ी लाइन है, कुछ भी नहीं है एक्चुअली, इन रियलिटी कुछ भी नहीं है, नहीं या तो मेरा पूरा संसार है। तो अब अगर संसार मेरा है,
तो मैं कुछ पाने की चाहत ही क्यों रखूंगा, कि सब तो मेरा ही है। एक बार जब आपकी आइडेंटिफिकेशन सही हो जाती है, कि पहचान सही हो जाती है कि आप एक्चुअली में कौन हो, ये ज़रूरी है, ये जानना ज़रूरी है। पहले सबसे पहले माइंड में ये सोच सही करना ज़रूरी है कि मैं कौन हूँ। लोग पड़े हुए हैं एनर्जी डायमेंशंस में, मेडिटेशन से जादुई ताकतें निकालनी है, सिद्धि, ये वो, दुनियादारी, परेशान हो तब भी होंगे। एनर्जी को कॉन्कर करने से, सिद्धि प्राप्त करने से दुखों की समाप्ति नहीं होती, ब्रेन शार्प नहीं होती है, क्योंकि बुद्धि एनर्जी से डिफरेंट है। बुद्धि जो है उसको जब तक यूज़ नहीं किया जाएगा वो शार्प नहीं होगी, और बुद्धि ज़रूरी है संसार में समय व्यतीत करने के लिए। तो मेरा संसार है अथवा कुछ भी नहीं है, क्या है आपका भाई? कुछ नहीं है आपका, और सब कुछ आपका है। तो सवाल ये होता है कि पाऊँ क्यों, मैं क्यों अप्रोच करूँ? बैठा रहूँ ना एक जगह पे, बैठे रहो, क्या दिक्कत है? अगर आप बैठे बैठे भी आपको मज़ा आ रहा है, आप बैठे रहो, क्या दिक्कत है? मत करो कुछ, आप आज़ाद हो, आपको जो करना है वो करो आप। लेकिन आप बैठे रहोगे तो सड़क पे आओगे, सड़क पे ना आने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड से रूल है, यहाँ पे रूल बना के रखा है इंसानों ने कि जो काम करेगा उसको पैसा मिलेगा। पैसा नहीं आएगा आपके पास, पैसा क्यों नहीं आएगा? ऑब्वियसली क्यों नहीं आएगा, क्योंकि काम नहीं कर रहे हो। तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। और ये जो बिजनेस है या पैसा वैसा कमाना है, ये भी तो इसमें बुद्धि लगानी होती है, तो ये भी तो एक तरीके का क्रिएशन का पार्टी है। अगर आप आए ही हो तो क्यों ना हर चीज़ को हम मास्टर कर लें। अगर आप एक सिंगर हो तो आप सिंगिंग को मास्टर करो, क्या दिक्कत है? लेकिन हाँ, पहले ये काम सही होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन पहले ज़रूरी है कि आपके आइडेंटिफिकेशन क्या है। क्योंकि कल को भूचाल आ गया, एपोकलिप्स आ गई, सब कुछ ख़त्म हो गया, रातों रात कंपनी ख़त्म हो गई, घर वाले ख़त्म हो गए, ये ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया, तो क्या करोगे? क्योंकि प्रॉब्लम एकदम से आती है। मान लो किसी ने पीछे छुरा भोंक दिया आपके आके, आपने बहुत ज़्यादा काम किया ज़िंदगी में, पैसा कमाया, सब कुछ, आपकी आइडेंटिफिकेशन सही नहीं थी, पीछे छुआ भोंक दिया किसी ने आके, चोर ने किसी, क्या होगा? दुख में मर जाओगे। तो आइडेंटिफिकेशन सही रहेगी तो अगर कुछ होता भी है, आप चाहोगे कि कुछ ना हो, आप पूरी तरीके से दिमाग लगाओगे, किसी को जेल में डालना है तो डालोगे किसी क्राइम क्रिमिनल को, वो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आइडेंटिफिकेशन सही है और कोई एक्सीडेंट बाई चांस हो जाता है उसके बाद भी, तो वो आपने फिर भी पर्पज़ ऑफ लाइफ जो है अचीव कर लिया। क्योंकि ये लोग को पता ही नहीं है कि व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ। तो ये चीज़ क्लियर होना ज़रूरी है कि जो आदमी की आइडेंटिफिकेशन सही है, इज़ अ पॉसिबिलिटी कि देर इज़ अ सुकून आफ्टर डेथ ऑल्सो। सो दिस विल बी गोइंग इन टू द अगेन मिस्टिकल डायमेंशन, बट विल गो थ्रू दैट ऑल्सो इन सम अदर वीडियो। सो बेसिकली यहाँ पे ये कहा जा रहा है, सारी जो श्लोकों का, जो जितने भी श्लोक हैं उनका जो मेन मकसद है कि आपकी समझ को बस सही कर दिया जाए किसी तरीके से, कि समझ आपकी सही हो जाए। एक बार समझ सही हो गई तो अगर आप जंगल में खो गए हो तो आप पूरा दिमाग लगाओगे निकलने के लिए, लेकिन आप रेडी रहोगे मरने के लिए भी। ये सब चीज़ें रेडी करती हैं, एक्सेप्टेंस आएगा डेथ के लिए। क्यों आएगा? क्योंकि आपको पता है डेथ क्या है, आपको पता है मैं कौन हूं। अगला बाद में देखते हैं।